तो हे गाइस, आप देख रहे हो अपने भाई का चैनल के एक्सट्रैक्ट। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक न्यू गेम के बारे में, और ये गेम मुझे बहुत ही कमाल का लगा है क्योंकि इस गेम की साइज़ बहुत ही छोटी है और इस गेम का ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन में 1 GB रैम है या 8 GB रैम है तभी आप इस गेम को डाउनलोड करके प्ले कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके मोबाइल फ़ोन में 512 MB भी रैम है ना तो भी इस गेम को जाके आप डाउनलोड करके प्ले कर सकते हो, तो इसलिए ये गेम और भी अच्छा होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी गेम का पूरा आपको रिव्यू देने वाला हूँ कि कैसे आपको डाउनलोड करना है और इस गेम का क्या नाम है, थोड़ा बहुत मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसी वीडियो के साथ बने रहे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को तो लाइक कर ही देना, हो भाई के चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर पहुंचाओ यार, क्योंकि आपका भाई 1 लाख सब्सक्राइबर अकेले नहीं कर सकता, ये बात आप भी जानते हो। तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो के नीचे देखिए आपको लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, बस आपको उसे प्रेस कर देना और कुछ करना ही नहीं। तो यार ज़्यादा ही बोल दिया मैंने सब्सक्राइब करने को, तो यार मुझे लगता है कि अब तक ही आपने सब्सक्राइब कर चुका होगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस गेम के डाउनलोडिंग लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी होगी, और इस गेम का नाम है क्रिटिकल स्ट्राइक, आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो इस गेम को सबसे पहले आप इंस्टॉल कर लोगे और इसे ओपन करोगे तो सबसे पहले आपके सामने कुछ लोडिंग होगी, तो उस लोडिंग को हो जाने देना, और फिर उसके बाद आप अपने प्लेयर का नाम रख सकते हो, जैसे मैंने अपने प्लेयर का नाम रख दिया है KXTech7, जो कि मेरे चैनल का नाम है, 7 एक्स्ट्रा लगा दिया है। तो ऐसे आप अपने प्लेयर का नाम रख सकते होगे, स्टार्टिंग में आप रख सकते होगे, फिर बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ सेटिंग्स का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, तो मैं यहाँ सेटिंग्स में चला जाता हूँ, तो यहाँ पर FPS का भी ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है, और यहाँ मैं 30 FPS में भी खेल सकता हूँ और 60 FPS में भी खेल सकता हूँ, तो मैं 30 FPS चूज़ करता हूँ, और यहाँ पर और भी सेटिंग्स देखने को आपको मिल जाती है, तो आपको उसे कुछ छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सही है, ठीक है, आपको बैक कर लेना है। तो यार आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे स्टोर का, मिशन का, न्यूज़ का, तो यार उन सब का कोई भी मतलब नहीं है, बस यहाँ पर सेटिंग्स का ही ऑप्शन आप देखो और यहाँ डायरेक्ट प्ले कर लो, क्योंकि बहुत छोटा गेम है और इस गेम में कुछ भी आपको खास देखने को नहीं मिलता है। अगर आप बोर हो जाते हो, कहीं पर जाते वक्त बोर हो जाते हो और आप चाहते हो थोड़ा सा टाइम पास कर सको और एक अच्छा गेम खेल सको, तो यह गेम बहुत ही अच्छा है, मैं इस गेम को बहुत ही खेल रहा हूँ क्योंकि अब मुझे यह गेम पसंद आने लगा है, इसलिए मैं खेल रहा हूँ, वरना तो ऐसा कोई भी नहीं है कि यह गेम बहुत ही फाड़ू गेम है। तो यार ये गेम ठीक है, यार मैं अब इस गेम को आपको प्ले करके दिखाता हूँ, तो प्ले वाले बटन पर मैं बस प्रेस कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे टीम डेट मैच पर आपको प्ले करने के, फ्री फॉर ऑल, तो यार मुझे और कुछ नहीं पता, मैं पहले वाले ऑप्शन पर प्रेस कर देता हूँ और बस मैं प्ले पर प्रेस कर देता हूँ। तो अब ये मैप सर्च कर रहा है, तो इसको मैं मैप सर्च करने देता हूँ। तो यार इस गेम के अंदर आपको बहुत ढेर सारे मैप देखने को मिल जाते हैं, तो ये एक मैप सर्च हो चुका है, इंडिया का मैप है, तो मैं इसको खेलता हूँ और देखता हूँ कि ये मैप कैसा है। तो मैं प्ले वाले बटन पर प्रेस कर चुका हूँ, तो आपको इसके कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, तो ये दाएं बाएं जाने का है, और ये जो आपको फायर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, और कूदने का और बैठने का, ठीक है, तो आप समझ गए होगे अब मुझे लग रहा है। तो अब मैं आपको ये गेम प्ले करके दिखाता हूँ, और अगर आपको रीलोड करना है तो आपको बंदूक वाले आइकन पर प्रेस करना है, तो आपका ये जो प्लेयर है वो रीलोड करेगा, ठीक है, तो वो रहा टेररिस्ट, उससे मुझे मारना है। अरे भैया मर, इसके पास जाना होगा मुझे, इसने मुझे मार दिया, और इसके पास स्नाइपर थी। तो ये गेम बहुत ही अच्छा लगा है, और इस गेम की ये बहुत मुझे अच्छी खासियत लगी है कि इस गेम का जो टाइमिंग है वो केवल 3 मिनट होता है, 4 मिनट का होता है, हमारा टाइम बहुत ही बचाता है। तो जैसा कि आप ऊपर साइड भी देख सकते हो कि हमारी जो टीम है उन्होंने 5 लोगों को किल किया है, और जो दूसरे की टीम है मतलब टेररिस्ट है, उन्होंने 8 लोगों को किल कर दिया, वाह। तो ये गेम बहुत ही अच्छा लगा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो बहुत ही अच्छा गेम है, मैं अभी तक किसी को किल नहीं कर पाया हूँ, तो ये ना समझो कि ये गेम बहुत ही कठिन है, बहुत ही अच्छा है, मैं पहली बार बहुत ही लोगों को मारा हूँ, पर अब मैं किसी को मार ही नहीं पा रहा हूँ, बल्कि मुझे आपके सामने भौकाल दिखाना है, जैसे एक को मारा मैंने, तो ये जैसे, और ये मैंने दूसरे को मारा, दूसरा किल हो, मैंने 2 लोगों को मार दिया, और ये तीसरा, अरे तीसरा किल हो भैया, इसने मुझे मार दिया। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये गेम कैसा लगा, अगर पसंद आया तो यार कमेंट करके ज़रूर कहना कि हाँ भाई तूने बहुत अच्छा गेम बताया है, और इसको मैंने मार दिया, अरे मर 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 मर, यस मैंने मार दिया। तो ये गेम मुझे बहुत अच्छा लगा, तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके लिए हमेशा मैं ऐसे ही यूज़फुल गेम लेके आता रहता हूँ, क्योंकि अरे यार एक और छूट गया, कहाँ गया भाई, ये मर गया, यस मैंने एक और को किल किया, और इसको भी मारूंगा, मार मार मार, भाग गया साला, भाग गया, इधर भागा
ये रहा इसको मैं मारूंगा। यस मैंने मार दिया एक और को। तो चलिए यार जाके बस चैनल को सब्सक्राइब कर लूँ मैं यार। खेलते खेलते यार बहुत मज़ेदार गेम है, तो यार मैं खेलता ही रहूँगा और मेरी ये वीडियो कभी ख़त्म ही नहीं हो पाएगी। तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो आती रहती है ऐसी कमाल की, तो जल्दी से फिर से बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। कितने बार बोल चुका हूँ यार, कुछ याद नहीं है। तो वीडियो को लाइक करो, मैं मिलता हूँ आपसे कौन है कमाल।